हेलो दोस्तों, पेबल्स में आप सबका स्वागत है। पेबल्स के आर्ट ऑफ स्पीकिंग इस सीरीज़ में ये अगला वीडियो है और ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जो है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि आप बोल रहे हो, कुछ समझा रहे हो और बहुत सारे लोग, बड़ी मात्रा में लोग उसे सुन रहे हैं। अब ये जो टेक्निक्स है, इसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो छोटे बच्चों से लेकर कॉरपोरेट वर्ल्ड तक हर एक के लिए ये टेक्निक अप्लाई होता है। छोटे बच्चे मतलब स्कूल के बच्चे, जो इलोक्यूशन कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन या ऐसे अनेक कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, उन बच्चों के लिए, वहाँ से लेके इंटरव्यूज़, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस या टीम मीटिंग्स, इन सभी में इस टेक्निक का यूज़ होता है। मुझे आशा है कि आपने मेरे पहले वीडियो, आर्ट ऑफ स्पीकिंग के पहले वीडियोस आपने देखे हो, क्योंकि वहाँ मैंने समझाया है कि व्हाट इज़ द फोनेटिक पंक्चुएशन और कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ये उन वीडियोस में मैंने समझाया है। स्टोरी टेलिंग के बारे में मैंने ज़्यादा समझाया है वहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आपको बहुत लोगों के सामने जब बात करनी हो, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर आपको वक्तृत्व करना हो, किसी सभा में आपको भाषण देना हो, या फिर एक टीम के सामने किसी विषय पर आपको बोलना हो या चर्चा करनी हो, तब आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस सेशन को हम कई हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कई भागों में, कई वीडियोस में डिवाइड करेंगे इसको। तो सबसे पहला आता है कि द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। दूसरी बात, वो उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, मतलब जो सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया है उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव, निगेटिव, वॉट एवर इट इज़। तीसरी बात आती है प्रिपरेशन। चौथी बात आती है द सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस, या फिर अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, मतलब जिन लोगों के सामने आपको बात करनी हो उन्हें आपको जान लेना होगा पहले से। उसके बाद आता है कि एक्चुअल डिलीवरी ऑफ स्पीच। डिलीवरी ऑफ स्पीच, जब आप बोलने जा रहे हो तब लास्ट मोमेंट चेंजेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द ऑडियंस, डिपेंडिंग ऑन योर मूड। आपने जो कुछ भी लिख के लाया है या फिर आपने जो बाय हार्ट किया है उसमें आपको चेंजेस करने होंगे शायद। और लास्ट बात जो आएगी वो है कि आफ्टर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है या क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम लेंगे द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। जब भी कोई कंपटीशन होती है तो आपको कई सब्जेक्ट दिए जाते हैं, चार पांच सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, और उनमें से किसी एक सब्जेक्ट पर आपको बोलना है, भाषण देना है। तो सबसे पहले जनरल मेथड क्या होती है, मतलब लोग क्या करते हैं, या सपोज़ आपका बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में से मैडम ने पांच सब्जेक्ट दिए हैं और कहा कि इसमें से एक सब्जेक्ट पर आपको बोलना है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, या फिर अगर बड़े लोग हो और ओपन कंपटीशन है तो जनरली लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं। लोग वो चार पांच टॉपिक्स देखते हैं और उसमें से जो टॉपिक उन्हें इजी लगे उस टॉपिक पर बात करते हैं या फिर वो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग मेथड, ये पूरी तरह से रॉन्ग मेथड है। देखिए, वहाँ पे कंपटीशन में आने वाले बहुत सारे लड़के, लड़कियाँ या जितने भी लोग हैं वो तो बाय हार्ट करके आएंगे ही, रट के आएंगे, शायद उनका बोलने का अंदाज भी एक जैसा हो, अच्छा हो, लेकिन फाइनल प्राइस किस पर डिपेंड करता है। प्राइस डिपेंड करता है कि हाउ मच यू इम्प्रेस द एग्जामिनर्स, सुनने वालों को आप कितने इम्प्रेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो आपने जो इजी टॉपिक लगा उसके ऊपर भाषण दिया, तो जनरली मैक्सिमम लोग यही करेंगे। तो
तो जो एग्जामिनर सामने बैठे हैं उसके सामने अगर 50 लोग आके भाषण करने वाले हो, 50 कैंडिडेट्स अगर हो, तो उनमें से अगर 40 लोग अगर एक ही विषय पे बात कर रहे हो, तो शुरू शुरू में वो तो वो सुनेंगे क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसा हो जाएगा कि अरे ये सब तो वही चल रहा है यार, वही चल रहा है। हालांकि मैं भी जब कभी जज बन के जाता हूँ तब कुछ देर बाद बोर होने लगता है कि सब लोग वही बोल रहे हैं, वही सुना रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचो, अगर आपका नंबर 20, 25, 30वां है तो आपको कौन सुनेगा, मतलब कोई सीरियसली लेगा ही नहीं आपको। तो सबसे पहले याद रखिए कि सबसे पहले ये सोचिए कि बाकी लोग क्या विषय सिलेक्ट करेंगे। जो क्राइटेरिया आपने लगाया है कि ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, तो बाकी लोग भी वही लेंगे, तो सबसे पहले उसको कट कर दीजिए, उस सब्जेक्ट पर बात नहीं करनी। जब पहले 20-25 लोग अगर एक एक जैसे टॉपिक पर बात कर रहे हो और जजेस बोर हो गए हैं, अगर आपका विषय कुछ अलग है तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, वो गौर से सुनेंगे आप क्या बात कर रहे हो, और आपकी बातें सुनना ज़रूरी है उन लोगों ने। तो ये हुई सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि लॉ कॉलेज में मुझे एक कंपटीशन थी, वहाँ पर दो तीन दो सब्जेक्ट थे, ओनली दो सब्जेक्ट थे। एक सब्जेक्ट था कि राजनीति में गुनहगारों को आना चाहिए या नहीं चाहिए, या गुनहगारों को राजनीति में आने से रोकना चाहिए या नहीं चाहिए, और दूसरा सब्जेक्ट था कि द डेथ सेंटेंस शुड बी रिमूव्ड और टू बी कंटिन्यूड, फांसी की सज़ा रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ये दो सब्जेक्ट थे। जब ऐसे दो ही सब्जेक्ट है तो चुनाव थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त आप क्या करोगे, उस वक्त आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करोगे जिसके ऊपर आप कंट्रोवर्शियल बात कर सकते हो। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ कि अगर दो ही सब्जेक्ट है और 50-60 कॉम्पिटिटर्स वहाँ पर है, तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट ज़्यादा से हर एक सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे ही, और आप बोल नहीं सकते कि आपका नंबर कौन सा होगा। तो आपको ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो आपको पसंद है, वो सब्जेक्ट नहीं, आपको ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप विरुद्ध बात कर सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल, जनमत के विरुद्ध आप बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उस कॉम्पिटिशन में लास्ट मोमेंट में, मतलब कॉम्पिटिशन की डेट जाने के बाद, जब भी कॉम्पिटिशन शुरू हुआ तभी मैंने एक नोट भेजकर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होना चाहिए या नहीं। तो मैडम ने तो मुझे इजाज़त दे दी। तभी मैंने सोचा था कि बाकी लोग क्या कहेंगे, बाकी लोग तो डेफिनेटली यही कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो अब मुझे कॉन्ट्रोवर्शियल बात करनी है। तो मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि जो बाकी लोग जो बोलेंगे वो मैंने सोच के रखा था, बाकी लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने पहले ही सोचा था कि उसके विरुद्ध बोलना है। तो इस प्रकार अगर दो ही सब्जेक्ट्स है तो उसका सिलेक्शन इस प्रकार किया जाता है। आप सोचिए कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर आप कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर सकते हैं या फिर जनमत के विरुद्ध बात कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे सामने अगर एक ही विषय पर 15-20 कंटेस्टेंट अगर बोल रहे हो, तो उन सबके पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे, तो अब मुझे क्या बात करनी है। अगर मैंने कुछ विरुद्ध बात की, कॉन्ट्रोवर्शियल बात की, तो मेरा भाषण सामने वाले बैठे हुए लोग या जजेस बहुत ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, और वही आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं कि सामने वाला आपकी बातें सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आपके पास चुनाव बहुत कम हो, मतलब दो सब्जेक्ट दिए है या एक ही सब्जेक्ट दिया है, तब आप और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर 4-5 सब्जेक्ट्स टॉपिक्स हो, तो फिर आपको वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिस पर आप कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, या फिर ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो दूसरा कोई नहीं सिलेक्ट करेगा, जो बहुत कठिन टॉपिक है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगर आपको किसी भी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन आपको जीतनी हो, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए। लेट अस गो टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्जेक्ट एक्सप्लेन कैसे करते हो, आप सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करते हो, ये सबसे बड़ी बात यही होती है। ओके, एक्सप्लेनेशन आपका कौन सी दिशा में जा रहा है, निगेटिव दिशा में जा रहा है या पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, और ये जो पॉइंट है सब्जेक्ट एक्सप्लेन, ये पॉइंट न सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पर एसे राइटिंग या स्पीच राइटिंग को भी ये चीज अप्लाई होती है। जो स्टूडेंट्स है जब वो एसे लिखते हैं एग्जाम में, तब भी ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, अभी सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आइदर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, बराबर। तो आपको सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग किस दिशा में बात करेंगे। सपोज आपको एक सब्जेक्ट दिया हुआ है द इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल, द इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन, अगर ये दो सब्जेक्ट्स है तो आप कैसे लिखोगे? मैक्सिमम लोग लिखेंगे कि इसकी बुरे परिणाम क्या है, क्योंकि वी नो दैट ये बहुत ही आजकल चर्चा का विषय है कि मोबाइल से आंखें खराब हो रही है, लोगों का ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रास्ते में, और फैमिली रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, घर वालों को लोग वक्त नहीं देते। आप अगर किसी के घर में जाओ तो 5-6 लोग अगर बैठे हो घर वाले, तो आपको तो लगता है कि क्यों मैं आ गया यहाँ पर, क्योंकि हर कोई मोबाइल लेके अपने ही मोबाइल में बिजी होता है। तो सबको पता है कि मोबाइल के बुरे इफेक्ट है। टीवी में भी वही होता है, टीवी सीरियल्स चलती रहती है, बच्चे कंटिन्यूस देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खाना खाने से लेकर सोने तक कंटिन्यूस टीवी देख रहे हैं, तो सबको पता है कि ये बुरी चीज़ें हैं। तो मेजॉरिटी लोग उसी के ऊपर लिखेंगे। तो अब आप सोचिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे इफेक्ट्स लिखने हैं। तो जो लोग बाकी जो कुछ भी बोलने वाले हो उसे फर्स्ट पैराग्राफ में खत्म कर दो, फिनिश कर दो उसको। फॉर एग्जाम्पल अभी एक सब्जेक्ट आया था, मेरी बच्ची को वक्तृत्व स्पर्धा में एक सब्जेक्ट था कि मैं रहता हूँ ठाणे शहर में, तो मेरे सपनों का ठाणा, क्योंकि या फिर मेरे सपनों का शहर, ऐसा सब्जेक्ट था। तो वो एक ही सब्जेक्ट था, तो मैंने सोचा अब क्या लिखा जाए, सभी लोग यही लिखेंगे कि ठाणे सिटी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में सबसे पहली सिटी है। ओके, यहाँ पे मेट्रो चल रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो सब लोग यही लिखेंगे कि मेरे सपनों का शहर कैसा होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर सब लोग यही लिखने वाले हैं तो हमें कुछ या मुझे कुछ ऐसा लिखना होगा जो सबकी नज़रों के परे होगा, किसी के ध्यान में ही नहीं आएगा, ऐसा मुझे कुछ लिखना होगा। तो मैंने पहले सब पॉइंट्स जमा कर लिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह सकते हैं, वो पॉइंट्स मैंने जमा कर लिए। अभी सपनों का शहर अगर आपने बोला तो वहाँ पर फिर स्मार्ट सिटी होगी, फिर बहुत ही इंटरनेट सब जगह पर होगा, बड़ी बड़ी इमारतें होगी, सब प्रकार के फैसिलिटीज़ होगी, ग्राउंड्स होंगे, ठाणे शहर को लगकर बहुत बड़ी क्रिक है और उसमें वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बोटिंग वगैरह वो सब प्रोजेक्ट है, तो वो होने चाहिए या फिर हो गए, ऐसे मेरे सपनों की सिटी है जो क्लीन हो, यही सब पॉइंट्स जनरली कोई भी लिखेगा। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स फर्स्ट पैराग्राफ में खत्म कर दिए। तो सुनने वाले जो थे, जब ही मेरी लड़की बोलने के लिए गई, तो जो पहला पैरा था वो पहला पैरा सुनते ही लोगों को, जो जजेस थे या फिर जो लोग थे, वो एकदम शांत हो गए, क्योंकि बाकी सारे जो बोल रहे वो इस लड़की ने पहले 5 लाइन में ही खत्म कर दिया। अब क्या बोलेगी वो, उसके बाद क्या बोलेगी? तो आपको ऐसे पहलू उस विषय में ढूंढने हैं जो कोई और नहीं सोच सकता। तो मैंने एक ऐसा पहलू उसमें निकाला, मैंने लिख दिया उसके ऊपर, ये सब तो यहां है लेकिन कोई भी शहर, कोई भी देश बनता है वहां रहने वाले लोगों से, और फिर मैंने वहां के लोग कैसे होने चाहिए और या फिर लोग कैसे हैं उसका डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया। और फिर बट नेचुरल फर्स्ट प्राइज तो मिला ही उसको। तो कहने की बात है कि अगर
सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन हो तो आपको पहले ये सोचना है कि सब लोग कौन सी दिशा में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल, इफेक्ट्स ऑफ टीवी, तो सब लोग बुरा कहेंगे तो आपको अच्छा ही कहना है। मोबाइल्स के अच्छे इफेक्ट्स भी डेफिनेटली है, टीवी के भी अच्छे इफेक्ट्स है, टीवी भी एजुकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, जनरल नॉलेज के लिए यूज़ हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम उसे सिर्फ थर्ड क्लास एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो आपको उस तरह से जाना है। अभी जैसा मैंने कहा, लॉ कॉलेज में जो कंपटीशन था कि गुनहगारों का राजनीति में आना, तो बैठे बैठे जब तक मेरा नंबर आने वाला था, मैंने सोचा, एक्चुअली मेरे पास कुछ भाषण था ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने स्पॉट एंट्री ली थी वहाँ पर। तो मैंने सोचा और मैं देख रहा था कि लोग क्या किस दिशा में बोल रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि गुनहगारों को आने ही नहीं देना चाहिए, जो अगर आएगा उसका इलेक्शन कार्ड ही रद्द कर देना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर मुझे वहाँ पर बाजी मारनी है तो सबसे पहले मुझे कुछ तो कॉन्ट्रोवर्शियल बोलना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इस तरीके से उस सब्जेक्ट को लिया। पहला स्टेटमेंट, जो पॉइंट्स जो मेरा था वो था कि आप कितनी भी बातें करो, कुछ भी करो, आप क्रिमिनल्स का राजनीति में आना नहीं रोक सकते। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद जजेस और स्टूडेंट्स सारे शांत हो गए, एकदम सुनने लगे कि ये तो कुछ अलग ही है। और फिर मैंने उसको इलाबरेट करना शुरू किया। कई मुद्दे थे उसमें, जैसे कि वोटिंग के लिए आजकल कोई नहीं जाता, या फिर बिना सोचे समझे वोट्स दे देते हैं, सो एंड सो। तो आपको आपके पहले पैराग्राफ, पहले कुछ सेंटेंसेस में ही आपका सब्जेक्ट जो आपने लिया है और जो दिशा में आप एक्सप्लेन करने वाले हो वो एकदम छा जाना चाहिए लोगों के ऊपर। स्पेल बाउंड, लोग स्पेल बाउंड होने चाहिए उस पर। ऐसा कुछ होना चाहिए कि ना तो लोगों ने पहले उस मुद्दे पर विचार किया हो, ना तो पहले किसी कंटेस्टेंट ने उसके ऊपर कुछ बात की हो। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट एक्सप्लेन। तो ये आपका जाता है एक पॉजिटिव में, फिर जा सकता है निगेटिव में, या फिर जा सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल, या फिर जा सकता है कॉन्ट्रोवर्सी में। यहां पे आपको थोड़ी सी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कॉन्ट्रोवर्सीज। कॉन्ट्रोवर्सी में अगर आप जा रहे हो तो वो कॉन्ट्रोवर्सी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को डायरेक्ट चोट पहुंचे। ओके, यानी किसी धर्म पर हमला, किसी जाति पर हमला, कोई भी मोस्ट सेंसिटिव इश्यू के ऊपर आप कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। अगर आप करोगे तो आपको एप्रिसिएशन तो मिलेगा, क्योंकि बैठे हुए शायद आधे लोग आपके बाजू से बात करेंगे, आधे लोगों को वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन आपको प्राइज नहीं दिया जाएगा। भले आपका भाषण जो है वो सबसे अच्छा हो, आपको प्राइज नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपको प्राइज, कोई भी ऐसी कॉम्पिटिशन होती है भाषण वक्तृत्व, तब लोग उसे सुनते हैं और उसका समाज पर इफेक्ट होता है। तो जजेस ये भी सोचते हैं, हम लोग ये भी सोचते हैं कि क्या इसका इफेक्ट सही होगा या नहीं होगा, क्या इससे लोग कुछ सीख पाएंगे, सीख ले पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये भी सोचा जाता है। तो जब आप कंट्रोवर्सी में जाओगे तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ओके, अभी ये हो गया सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन, आपका सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे होना चाहिए। तीसरी बात आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं, कई चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपका फोनेटिक पंक्चुएशन अच्छा होना चाहिए। फोनेटिक पंक्चुएशन मतलब कहाँ रुकना है, पॉजेस कहाँ लेने हैं, कौन से शब्दों पर स्ट्रेस करना है, आपके इमोशंस कैसे रखने हैं, हायर इमोशन में जाना है या फ्लैट टोन में बात करनी है, ये सब आपको पहले ही सोचना होगा। यहाँ जो आपने लिखा है कागज़ के ऊपर उसको फोनेटिकली पंक्चुएट कीजिए, उसको उसको रिकॉर्डिंग में सुनिए। अब आप मुझे कहेंगे कि मेरा बच्चा तो सेकेंड स्टैंडर्ड में है, थर्ड स्टैंडर्ड में है, तो व्हाई शुड आई डू ऑल दिस थिंग्स। छोटे बच्चों की कंपटीशन तो है, उसके लिए क्या ये सब करना है, इजंट इट। और वैसे आप गलत नहीं हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिए,
कि बच्चे सबसे ज्यादा 8 वर्ष की आयु तक सीखते हैं, और उस आयु तक वो जो सीखते हैं उन्हें जो आदतें लगती है वो जनरली लाइफ लॉन्ग होती है। अगर छोटे आयु से ही आप उसे सही ढंग से बात करने के लिए, सही ढंग से प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज से ये सब का ज्ञान अगर आप देते हो, तो आगे जाकर हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव ये है कि इवन वो बच्चा जूनियर केजी, सीनियर केजी का क्यों ना हो, अगर आप उसे कंपटीशन में भेज रहे हो तो कंपलसरी आपको सही तरीके से उसकी तैयारी करके लेनी होगी। आजकल और एक मुद्दा आगे आ रहा है बच्चों के बारे में कि लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन में हिस्सा लेना जरूरी है, प्राइज मिले ना मिले बात अलग है, हम प्राइज के लिए नहीं जाते, हम सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए जाते हैं, हम सिर्फ एक हिस्सा लेने के हिसाब से जाते हैं। ये हारी हुई नीति है, दिस इज द स्पीच ऑफ फेल्यूअर्स। अगर आप किसी कंपटीशन में, आपको पता है वो कंपटीशन है, वहां पे प्राइजेस है, अगर आप वहां पे जा रहे हो तो कंप्लीटली पॉजिटिव एटीट्यूड से ही जाना चाहिए। मुझे पता है कि छोटे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा, लेकिन छोटे बच्चे करते क्या है, मोस्टली सब कुछ तो उनके पेरेंट्स करते हैं। अगर पेरेंट्स का ये अप्रोच निगेटिव रहा कि मुझे प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, तो आकर्षण का सिद्धांत वो तो बोलता ही रहता है, तथास्तु, तुझे प्राइस के लिए कोई चिंता नहीं है, जरूरी नहीं है, तथास्तु, तुझे नहीं मिलेगा। तो आप निगेटिव अप्रोच में मत जाइए। अगर बच्चा छोटा भी हो तो, अगर आप बड़े हो, क्या होता है कि हर एक के मन में डर होता है कि अगर मुझे प्राइज नहीं मिला तो लोग हंसेंगे, तो इसलिए वो पहले से ही बोलना शुरू कर देते, मुझे क्या ऐसा प्राइज भी इसका कुछ नहीं है, मुझे मिलने वाला भी है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा, चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करके आते हैं। ये अप्रोच से अगर आप जाओगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। यू शुड हैव द किलर इंस्टिंक्ट, द विनर इंस्टिंक्ट टू क्रैक दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो आपको पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना है। इसलिए जो प्रिपरेशन मैं कह रहा हूं वो प्रिपरेशन करना जरूरी है। मेरी छोटी बच्ची है जो अभी थर्ड स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो जूनियर केजी से कंटिन्यूअस स्टेट कॉम्पिटिशन्स, डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, स्कूल, इंटर स्कूल, सब कुछ जीतते आ रही है। उसका एक ही रीजन है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हमें प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, नहीं, हम जा रहे तो हम प्राइस लेके ही आएंगे। लेकिन हम उसे ये भी सिखाते हैं साथ में कि प्राइस तो लेना है, लेकिन मिले ना मिले वो बात अलग है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा तैयारी करके जाना है और लेना है। सो ऑलवेज गो इन द किलर इंस्टिंक्ट, वेल प्रिपेयर्ड, फुल कॉन्फिडेंस, वैसे ही जाना है आपको, ठीक है? तो प्रिपरेशन में सबसे पहला तो आप लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। अब बहुत बार ऐसा होता है ना, मैंने देखा है कोई भाषण लिखता है, स्पीच लिखता है, ऐसे लिखता है, वो एक बार लिखता है, हो गया हो गया हो गया हो गया, खत्म, ये लो ये जाके करके आओ या फिर बाय हार्ट करो, ऐसा होता है। दिस इज नॉट द वे, ये रास्ता नहीं है। आप एक स्पीच को आप लिखेंगे, वो पढ़ेंगे, फिर से एक बार लिखेंगे, कम से कम 3 बार जब आप उसको लिखोगे तब हर वक्त उसमें आप कुछ नया ऐड करोगे। अब देखिए ना, एक बॉटल में अगर पानी है, भरी हुई बॉटल है, ठीक है, अगर उसमें पानी है तो जब तक वो पानी खाली नहीं होता तब तक नया पानी उसमें भर नहीं सकता। तो आपके विचार जो है मन में, वो जब तक आप पेपर पर उतारेंगे नहीं तब तक आपके मन में दूसरे विचार आएंगे नहीं, या फिर जो विचार आपके हैं वो मॉडिफाई आप नहीं करेंगे। तो मैंने पहली बार लिख दिया, अभी ये सब गया, मेरे दिमाग से चला गया, अब जब मैं पढ़ रहा हूं तब मुझे नई कल्पनाएं सूझती है, तो उसे ऐड कर दीजिए, करेक्शंस कीजिए। तीसरे टाइम भी यही कीजिए, थर्ड टाइम ऑल्सो, तीसरे बार लगभग आप जब करोगे तब आपका जो स्पीच है, जो भाषण है, वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये चीज आपको करनी है, ये कंपटीशन जूनियर केजी की हो, या आप किसी सेमिनार में बात करने वाले हो, या आप किसी सभा में बात करने वाले हो, मेथड तो वही है, सेम मेथड, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक। नेक्स्ट,
आपको अब लिखने के बाद उसे फोनेटिकली पंक्चुएट करना है, ठीक है? फोनेटिकली पंक्चुएट करना है, कहाँ पॉज लूंगा मैं कौन से शब्द पर स्ट्रेस करूंगा, मेरे इमोशंस क्या होने चाहिए, उसका नोटिंग। फोनेटिक पंक्चुएशन के मेरे वीडियोस है, वो आप जरूर देखिए, वहां पे जो नोटेशंस है वो सब नोटेशन मार्क से आप उसको नोटिंग करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद आप उसे पढ़ेंगे मन में। पढ़ते वक्त आपको शायद लगेगा नहीं ये नोटिंग थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। तो पहले ही आप एक चीज़ कीजिए कि जब आप लिखा हुआ ड्राफ्ट आपका है उसके जेरोक्स निकल के रखिए, क्योंकि आपको पंक्चुएशन भी दो तीन बार करना है। फोनेटिक पंक्चुएशन दो तीन बार पंक्चुएशन करने के बाद आपका फाइनल ड्राफ्ट विथ प्रॉपर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल पर या वॉइस रिकॉर्डर पर उसे पढ़कर रिकॉर्ड करना है, जिस तरह से आप वहां पढ़ेंगे वैसे आपको रिकॉर्ड करना है उसे। जब आप रिकॉर्ड करेंगे आपको ऐसे लगता है कि जब हम खुद के लिए पढ़ते हैं तब हमें लगता है हम बहुत ग्रेट है। आपको पता है बहुत सारे लोग सीटी के ऊपर गाने बजाते हैं तो उनको लगता है हम बहुत अच्छा बजाते हैं। बचपन में जब बांसुरी वाला आता था और वो बांसुरी हम खरीदते थे उसकी सुनकर और हम कुछ बजाते थे, तब हम कहते थे अरे मैं कौन सा गाना बजा रहा हूँ पता, और मैं कुछ तो बजाता था, मुझे लगता था कि मैं सॉलिड बजा रहा हूँ एकदम। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम हमारे लिए जो बात करते हैं वो सिर्फ वैसी ही रहती है जब आप सुनेंगे, क्योंकि आप बात कर रहे हो आप सुन नहीं सकते। आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि आप ठीक तरह से बोल रहे हो या नहीं, जैसे नोटिंग आपने किया है वैसे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिर से मैं बोलता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग भी आपको छोटे बच्चों के लिए भी करनी है। देखिए छोटे बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ शार्प और इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें आपसे कई ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उन्हें लाइटली मत लीजिए। छोटे बच्चों को कभी लाइटली मत लीजिए। वो कब आपको धोबी पछाड़ दे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो प्रिपरेशन में हमने देखा कि सबसे पहले राइट, सेकेंड थिंग पंक्चुएट, राइट एंड री राइट। सेकेंड थिंग पंक्चुएट एंड री पंक्चुएट। थर्ड थिंग रिकॉर्ड लिसन एंड री रिकॉर्ड। अगर आपको अच्छा नहीं लगा फिर से रिकॉर्ड कीजिए, फिर से बोलिए, फिर से रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए। अब ये रिकॉर्डिंग के टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको देखना है कि आपको कितना समय दिया गया है। जनरली ऐसे कॉम्पिटिशन्स में 5 मिनट्स 10 मिनट्स एक टाइम लिमिट होता है। तो रिकॉर्डिंग पे मोबाइल पे आप देखोगे कि आपका भाषण परफेक्टली वो टाइम में ख़त्म हो रहा है या नहीं। अगर आपका विषय बहुत ही अच्छा हो तो शायद जजेस आपको थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट आ रहे हो तो कोई उस पर ऑब्जेक्शन भी ले सकता है। हमने खुद ऑब्जेक्शन ऐसे लिए हैं कि वो टाइम आउट था, टाइम के बाहर था, तो यू कैन नॉट कंसिडर हिम, और जजेस को माननी पड़ी ये बात। हम लोग तो स्टॉपवॉच लेके ही बैठते हैं, जो कंटेस्टेंट बात कर रहा है उसका टाइमिंग क्या है लिख के लेते हैं हम लोग। ये बात हम हर कंपटीशन हर कंटेस्ट के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक आदत है। मे बी कि आज आपका बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, लेकिन ये आदत है, एक एक किलर इंस्टिंक्ट है, ये एक विनिंग स्ट्रेटेजी है। ऐसे ही कोई जीत के नहीं आता, उसके लिए स्ट्रेटेजी होती है, उसके लिए प्लानिंग होता है, उसके लिए प्रिपरेशन होता है, और फिर वो जाके कहीं आगे बढ़ता है। अब जो बड़े लोग हैं उन्हें ये सब बातें खुद ही करनी है। अगर पॉसिबल है तो आपकी भाई बहन मम्मी डैडी उनको आप प्रेजेंट कर सकते हैं बिफोर प्रेजेंटिंग इन योर ऑफिस। ये 4-5 बार करना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद ट्रेन हो जाओगे, ठीक है? तो ये सब बातें आपको करनी है। रिकॉर्ड किया, लिसन, फ्री रिकॉर्ड किया, उसको वापस रिकॉर्डिंग किया।
टाइमिंग चेक किया, चेक द टाइम। टाइम चेक करना है आपको कि आप टाइम आउट तो नहीं हो रहे कहीं भी। अब ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, ये सब करने के बाद आपको आईने बाय हार्ट करना है उसको। मतलब डिपेंड्स कि अगर आपको पेपर लेके पढ़ने की इजाज़त हो तो बात अलग है, लेकिन अगर पेपर हाथ में नहीं होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, तो बाय हार्ट कीजिए उसको। बाय हार्ट करते समय हमेशा याद रखिए कि आपने जो लिखा है उसमें से पॉइंट्स निकालिए, हर पैराग्राफ में कुछ पॉइंट्स निकालिए और वो पॉइंट्स बाय हार्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम रट लेते हैं उसको, पूरी तरह से रट लेते हैं उसको, 100 बार पढ़ते हैं, 100 बार बोलते हैं और पूरा रट लेते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही डेंजर है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम इतने कठिनाई से रट लेते हैं उसको, तो अगर उसमें से कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड अगर हम मिस कर जाते हैं तो वहां पे हम ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने बहुत लड़कों को देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है, सभा में देखा है, मीटिंग्स में देखा है कि दे पीपल जस्ट गो ब्लैंक, क्योंकि उन्होंने कुछ रट के आया है या फिर बीच में किसी ने टोक दिया, उसको इंटरफेयर कर दिया, तो उसके बाद उसको सोचता ही नहीं कि मैं क्या बोलूं। तो इसलिए आपको सारे मुद्दे ध्यान में होने चाहिए। मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जो मेरे पॉइंट्स है अगर उसके उसके ऊपर मैंने चेकिंग के लिए 3 बार रिकॉर्डिंग किया तो तीनों बार मेरा रिकॉर्डिंग अलग अलग होना चाहिए। मैं कुछ मुद्दों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे रटना नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जब आप एक्सप्लेन करोगे उसको, तभी आप लोगों का मूड या वो सिचुएशन देख के उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आपने रट लिया तो आप गए, अगर बीच में यहां वहां कुछ हो जाए तो आप सब भूल जाओगे, ठीक है। अब टाइमिंग चेक किया, बाय हार्ट किया उसको, उसके बाद आपको करना है, बाय हार्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपको करना है, चलिए मैं यहां लिखता हूं उसको, यहां लिखता हूं मैं, उसके बाद आपको मिरर करना है। मिरर, आईना, आपको एक बड़े आईने के सामने, अपने कबर का जो आईना होता है, बड़ा आईना, उस आईने के सामने खड़े रहकर वही भाषण देना है, खुद की आंखों में देखकर। आईने में जो प्रतिमा होती है उसमें खुद की आंखें देखिए, वहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और फिर वही बोलिए जो आपने, जो आपको वहां पे प्रेजेंट करना है। आपको शायद लगता होगा कि मिरर में देख के ये बोलना, भले घर में कोई नहीं है, बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार करके देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, और जिसे बात करने की या कैमरा के सामने जाने की या स्टेज पर बहुत बड़े मॉब के सामने जाने की आदत नहीं होती, उनके लिए ये बहुत कठिन होता है। शुरू शुरू में आपको ये करना असंभव हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी। आपको आईने में खुद को देखकर वही डिलीवर करना है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ कैसे हो रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं, फिर आप उसमें करेक्शंस कर सकते हो, ओके? तो ये हो गई मिररिंग, ये मिरर करना है आपको। ये भी जब तक आप 3-4 बार नहीं करोगे, आप मास्टर नहीं होगे इसमें। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब बच्चों को शुरू से ही करने दो, तो आगे जाके ये सब जो चीज़ें हैं वो इतनी आसान हो जाएगी, उनके लिए ये एक आदत बन जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब वो बड़े हो जाएंगे तब भी वो बहुत ही कुशल वक्ता माने जाएंगे, क्योंकि उनको बचपन से वही करने की आदत है। तो ये हो गया मिररिंग। अब बात आती है डेयरिंग। डेयर, जो आपका डेयरिंग होता है स्टेज के ऊपर जाने का, वो आप में होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि होना चाहिए मतलब, वो तो पैदाइशी होता है। कुछ हद तक ये बात सही है, पैदाइशी होता है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्कूल में था तब मैं बहुत हकलाता था। हकलाता था मतलब मेरी टंग में कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं इतना डर जाता था कि मेरे शब्द ही नहीं निकलते थे। नॉर्मल जब टीचर्स क्लास में कोई लेसन्स पढ़ने के लिए बोली, तब भी मुझे बोलना नहीं आता था। मैंने लाइफ में एक ही ड्रामा में काम किया है,
वाल्मीकि रामायण, मतलब वो जो वाल्या डकैत होता है उसको वाल्मीकि करते हैं, कन्वर्जन होता है उसका, उसमें ड्रामा में मैंने काम किया था। उसमें मैंने जो ट्रैवलर्स होते हैं वो तीन में से एक ट्रैवलर में था और मुझे एक ही डायलॉग था, ओ अगर वाल्या आ गया तो, बस इतना ही था। लेकिन वो स्टेज पे जाते ही जब मैंने देखा कि ऑडियंस बैठा है तो हाथ पैर मेरे कांपने लगे पूरे, और कैसा वैसा मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी ड्रामा में काम नहीं किया, क्योंकि मुझे एक डर था स्टेज पे जाने का या लोगों के सामने जाने का, एक डर था मुझ में। उसके बाद कई सालों बाद जब मैं बिजनेस में आने के बाद जब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए मैं काउंसलिंग के लिए जाता था, तब अचानक मैं बैठा था और एक कॉलेज, जिस स्कूल में मैं बैठा था उसी स्कूल में 10th के जो बच्चे थे उनका काउंसलिंग सेशन था, और ऑल ओवर मुंबई वहाँ पे बच्चे आने वाले थे 10th के, तो उनके पास इंग्लिश में बात करने वाला कोई वक्ता नहीं था, स्पीकर नहीं था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर क्या आप उन्हें इंग्लिश में आप समझाएंगे करियर काउंसलिंग के बारे में, या आगे कौन सी लाइन लेनी चाहिए वगैरह। तो वैसे तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन मेरे इतने पसीने छूट गए कि सबसे पहले कि मेरी पढ़ाई मराठी मीडियम से हुई है, उसके बाद इंग्लिश तो मेरी अच्छी है लेकिन क्या मैं बोल पाऊँगा, हज़ार बच्चों के सामने, पूरे ऑडिटोरियम में हज़ार बच्चे बैठने वाले हैं उनके सामने मुझे बोलना है, मेरे हाथ पैर थरथराने लगे पूरे। तो फिर मैंने क्या किया, तब मैं आपको, और ये जो चीज़ है वो बहुत लोगों के साथ होती है, सबके साथ होती है, आपके साथ भी होगी 100% मैं बोलता हूँ आपको, जिनको आदत नहीं है बचपन से स्टेज पे जाने की, उनके साथ बहुत ही डेयरिंग से किसी सभा में जाना इतना आसान नहीं होता, कैमरे के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता। हम जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या इनका इंटरव्यू लेते हैं, या पुलिस हो या कोई भी बड़ा आदमी का इंटरव्यू लेते हैं, कैमरा जैसे चालू होता है वो हकलाना शुरू कर देते हैं, इतना आसान नहीं होता कैमरा और ऑडियंस के सामने बात करना। एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, गहरी सांस लीजिए, पूरी पूरी गहरी सांस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए 2 मिनट के लिए, गहरी सांस लीजिए और खुद के मन को समझाइए कि यहाँ जो भी आके बैठने वाले हैं वो सब थर्ड क्लास थर्ड ग्रेड लोग हैं, मैं इन सबसे बहुत ऊंचा हूँ, आई एम द किंग, और मैं जो बोलने वाला हूँ आई एम द डिक्टेटर ऑफ दिस कंट्री, इस ऑडिटोरियम को कंट्री समझिए, इसका मैं डिक्टेटर हूँ, तानाशाह हूँ, और मैं जो कहूँगा वही उनको सुनना पड़ेगा, ये सब थर्ड क्लास लोग बैठे हैं। तब आप में कुछ जान आएगी, डेयरिंग आएगी आप में, और जैसे आप जाओगे तब एक दो चार सेंटेंस के बाद फिर आपको कुछ नहीं लगेगा, और ये ज़िंदगी में एक ही बार होता है, सिर्फ पहली बार होता है, उसके बाद आप स्टेज पे जाने से कभी नहीं डरोगे, कभी नहीं डरोगे आप। ये चीज़ फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो तो आपके साथ होगी, और यही चीज़ बच्चों के साथ नहीं होती। आपने अगर किसी कंपटीशन में बच्चों को देखा होगा तो उनके माँ बाप ज़्यादा एक्साइट रहते हैं, अरे जा 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 कर, अरे बोल, वो बच्चे भी यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, लेकिन आपने अगर ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ, आप शांत सामने कुर्सी पर बैठे रहोगे तो वो बच्चा अपने आप सब कर लेता है, उसको ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन आप बहुत हाइपर होके उसको आदत लगाते हो, उसको ये एहसास दिलाते हो कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ तो डेंजरस थिंग तुम करने वाले हो, तो वो बच्चे भी डर जाते हैं वहाँ। तो आपको ये चीज़, डेयरिंग जो है, स्टेज फियर जो है एक, उसे हटाना होगा शुरू से। अगर आप बड़े हो तो जैसा मैंने कहा है वैसा सोचो, अपने अंतर्मन को ट्रेन करो, उस हिसाब से ट्रेन करो और फिर वहां पे अपीयर करो। अब जब हम स्टेज पे जाएंगे तब हमें कैसा हैंडल करना है, स्विच ओवर कैसे करना है, और उससे पहले क्या करना है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मेरे वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो भी कमेंट में लिखिए, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।